मिथुन चक्रवर्ती भारतीय सिनेमा के सबसे महान कलाकारों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने कई दशकों तक हिंदी और बांग्ला सिनेमा पर राज किया। उनका कैरियर उन लोगों के लिए आदर्श है जो फिल्मी परिवार से संबंध नहीं रखते, लेकिन फिल्मों में अपने लिए मुकाम बनाने का सपना लिए मुंबई आते हैं। चूँकि मिथुन चक्रवर्ती खुद किसी फिल्मी परिवार से संबंध नहीं रखते, इसलिए उनके परिवार के बारे में लोगों को जानकारी शायद थोड़ी कम है। खुद मिथुन भी 90 के दशक में मुंबई छोड़कर ऊटी में जा बसे थे, जिससे उनका परिवार मीडिया की चमक धमक से दूर हो गया था। ऐसे में एक फिल्म पत्रकार होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि उनके परिवार और पारिवारिक इतिहास पर विस्तार से बातें करें। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता का नाम बसंत चक्रवर्ती और माँ का नाम शांतिमयी था। मिथुन चक्रवर्ती के खानदान का एक लंबा इतिहास रहा है। उनके दादा श्री तारापद चक्रवर्ती बंगाल के नादिया जिले में शांतिपुर क्षेत्र में संस्कृत के पंडित थे। तारापद जी की पत्नी का नाम जमुना था, जिनकी कुल 10 संतानें हुई। इनमें से दूसरे नंबर के संतान थे बसंत चक्रवर्ती, यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के पिता। बसंत चक्रवर्ती ने द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने कलकत्ता टेलीफोन विभाग में नौकरी कर ली और शांतिमयी बंदोपाध्याय से साल 1948 में शादी कर ली। इन्हीं से 1950 में मिथुन चक्रवर्ती का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया गौरांग चक्रवर्ती, जो कि भगवान श्री कृष्ण के नाम पर आधारित था। मिथुन चक्रवर्ती की 3 छोटी बहनें भी थीं, जिनका नाम है कल्याणी, जयंती और हाशी। गौरांग यानी कि मिथुन चक्रवर्ती की बहनें उन्हें दादा भाई कहकर पुकारती थीं। कई जगहों पर यह कहानी भी प्रचलित है कि मिथुन चक्रवर्ती के भाई की मृत्यु बिजली के झटके लगने के कारण हुई थी, जिसके बाद उन्होंने नक्सलवाद का साथ छोड़कर मुंबई जाने का फैसला किया था। लेकिन इस कहानी को उनकी बहन कल्याणी ने पूरी तरह से नकार दिया है और बताया है कि मिथुन चक्रवर्ती का कोई भाई नहीं था। हालांकि ये बात जरूर सच है कि नक्सलवादी प्रभाव और नक्सली नेता चारू मजुमदार से नजदीकी के चलते मिथुन को स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी और इंस्पेक्टर तारापद शाह उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी में बैठे हुए थे। इन सब से तंग आकर मिथुन चक्रवर्ती कलकत्ता से बम्बई चले आए, जहां वो कुछ समय अपने काका के पास रहने लगे, जिन्हें वो आदर से काका मोनी बुलाते थे। काका मोनी को जब उनके नक्सलवादी अतीत के बारे में पता चला तो उन्होंने मिथुन को घर से जाने के लिए कह दिया। मिथुन के एक और चाचा भी मुंबई में ही रहते थे, जिनका नाम था अनंत, लेकिन उन्होंने मिथुन को अपने घर में घुसने नहीं दिया और बाहर से ही विदा कर दिया। खैर, जब मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1972 में FTII में एडमिशन ले लिया तो उन्होंने अपना नाम बदलकर गौरांग से मिथुन चक्रवर्ती कर लिया, जो कि उनके ज्योतिष के अनुसार राशि भी थी। यहां से मिथुन चक्रवर्ती के फिल्मी कैरियर की शुरुआत होती है, जहां उन्होंने शोहरत और दौलत के अलावा नए रिश्ते भी बनाए। मिथुन चक्रवर्ती की FTII के दौरान बेहद करीबी दोस्त रही रंजिता, जिनके साथ उनके नाम को सालों तक उछाला जाता रहा। हालांकि दोनों ने इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया। जब मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्मों में कदम रखा तो उनका नाम उनकी पहली फिल्म मृग्या की हीरोइन ममता शंकर और उनकी अगली फिल्म हमारा संसार की हीरोइन सारिका के साथ भी उछाला गया। लेकिन जिसके साथ मिथुन चक्रवर्ती शादी के बंधन में बंधे वो थी हेलेना लियू। हेलेना के साथ मिथुन की मुलाकात अभिनेता जावेद खान के जरिए हुई थी। जावेद खान और हेलेना 5 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे और मिथुन और हेलेना की दोस्ती जावेद के जरिए ही हुई थी। लेकिन जब हेलेना और जावेद के बीच का रिश्ता टूट गया तो मिथुन और हेलेना नजदीक आ गए। दोनों ने साल 1979 में शादी भी कर ली। हालांकि मिथुन का परिवार इस शादी से खुश नहीं था, क्योंकि हेलेना एक विदेशी मूल की थी। उनके पिता तुर्की से संबंध रखते थे और उनकी माँ एक एंग्लो इंडियन थी। परिवार के विरुद्ध जाकर मिथुन ने शादी तो कर ली, लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। मिथुन और हेलेना ने साल 1979 में विवाह किया था, लेकिन ये शादी 4 महीने में ही टूट गई। अलग होने के बाद हेलेना ने मिथुन चक्रवर्ती पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे। अपने तलाक के कारणों पर बात करते हुए हेलेना ने कहा था कि मिथुन चक्रवर्ती इस समय अपना मुकाम बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और अक्सर ये बहाना बनाया करते थे कि उनके पास गहने जैसी महंगी चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में जब हेलेना ने अपने लिए एक दिन सस्ता सा नेकलेस खरीद लिया तो मिथुन ने पैसे की कमी का हवाला देकर उसे वापस करवा दिया। लेकिन इसके उलट मिथुन के फिल्म के एक क्रू मेंबर ने हेलेना को यह बताया कि मिथुन सेट पर अक्सर ताश खेलते हैं और रोज करीब 400-500 रुपए हार जाते हैं। इसके अलावा मिथुन ने यह वादा किया था कि वो हेलेना को अपने साथ पार्टियों में ले जाएंगे और निर्माता निर्देशकों से मिलाएंगे। लेकिन जब वो किसी निर्माता निर्देशक से मिलते तो मिथुन हेलेना की बात करने की जगह
जगह अपने लिए काम मांगने लग जाते। साथ ही हेलेना मिथुन के अफेयर्स की खबरों से भी परेशान थी। आखिरकार हेलेना ने मिथुन को तलाक देने का फैसला किया। वो कहती है कि मिथुन से शादी करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हेलेना के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने अभिनेत्री योगिता बाली से शादी कर ली। इस शादी के कारण मिथुन चक्रवर्ती का किशोर कुमार से पंगा हो गया, क्योंकि योगिता बाली किशोर कुमार से तलाक लेकर मिथुन के पास आई थी। नाराज होकर किशोर कुमार ने मिथुन के लिए गाना गाने से मना कर दिया। हालांकि बीच बीच में वो आर डी बर्मन और बप्पी लाहिड़ी के लिए कुछ गीत मिथुन के लिए अवश्य गाए, लेकिन कई सालों तक किशोर कुमार और मिथुन के बीच के रिश्ते खराब ही रहे। किशोर कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में इस शादी को एक मजाक बताया, जहां योगिता बाली बेहद अपरिपक्व थी। उस समय की फिल्मी पत्रिकाओं में इस बात का जिक्र मिलता है कि योगिता बाली के फिल्मी कैरियर को किशोर कुमार पनपने नहीं दे रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि योगिता बाली शादी के बाद फिल्मों में काम करें, पर योगिता बाली काम करती रहीं। ये भी कहा गया कि किशोर कुमार योगिता बाली के जीवन में बहुत ज्यादा दखलंदाजी किया करते थे। कोई भी रिपोर्टर या फोटोग्राफर बिना किशोर कुमार की इजाजत के योगिता बाली तक नहीं पहुंच पाते थे। इस आग पर घी तब पड़ा जब फिल्म ख्वाब की शूटिंग के दौरान योगिता बाली अपने सहकलाकार मिथुन चक्रवर्ती के काफी करीब आ गईं। दोनों ने आपसी रजामंदी से साल 1979 में शादी कर ली। शम्मी कपूर की दिवंगत पत्नी गीता बाली योगिता बाली की रिश्तेदार थी और इस शादी के साथ ही मिथुन चक्रवर्ती का संबंध अप्रत्यक्ष रूप से ही सही पर कपूर खानदान से भी जुड़ गया, क्योंकि गीता बाली शम्मी कपूर की पहली पत्नी थी और इस तरह योगिता बाली शम्मी कपूर के रिश्तेदार और मिथुन चक्रवर्ती का उनके साथ दूर का संबंध स्थापित हो गया। भले ही मिथुन ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन उनका रसिक मिजाज अभी भी बना रहा। 1982 में फिल्मफेयर पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में योगिता बाली से पूछा गया कि आखिर मिथुन का अभिनेत्री रंजीता और अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ क्या चल रहा है। मिथुन ने इन सभी रिश्तों को इंकार कर दिया था। हाँ, वो बात अलग है कि मिथुन ने बाद में एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि उन्होंने अपनी पत्नी योगिता के साथ कई बार धोखा किया और बाहर अफेयर चलाए, जिसके लिए वो शर्मिंदा भी हैं। मिथुन चक्रवर्ती का सबसे बड़ा लफड़ा अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ हुआ था। 1984 की फिल्म जाग उठा इंसान के बाद उनके और मिथुन के बीच अफेयर की खबरें उड़ने लगी। इन खबरों से तंग आकर श्रीदेवी ने मिथुन चक्रवर्ती से कन्नी काटनी शुरू कर दी और मिथुन के अपोजिट फिल्म स्वर्ग से सुंदर को भी छोड़ दिया। लेकिन ये अलगाव ज्यादा दिनों तक नहीं चला और दोनों ने साथ में इसके बाद 3 और फिल्में साइन कर ली। इस संबंध में यहाँ तक कहा गया कि मिथुन ने श्रीदेवी के लिए एक नया घर खरीदा और काफी समय वहाँ बिताना भी शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मिथुन ने श्रीदेवी को अपने माता पिता से भी मिलाया था। साल 1987 में फिल्म वक्त की आवाज की शूटिंग के दौरान ये खबरें भी आई कि उन्होंने श्रीदेवी से चोरी छिपे शादी भी कर ली है। एक पत्रिका ने तो बकायदा उन दोनों की शादी का सर्टिफिकेट भी छाप दिया। इन सब बातों का एक प्रभाव ये भी पड़ा कि योगिता बाली ने आत्महत्या की कोशिश की थी। इस समय तक योगिता बाली इस पूरे प्रकरण से इतनी दुखी हो चुकी थी कि उसने एक इंटरव्यू में ये तक कह डाला कि उन्हें मिथुन की दूसरी पत्नी भी मंजूर है। वो तो गनीमत ये रहा कि मिथुन और श्रीदेवी के बीच आए दिन अनबन होने लगी। मिथुन श्रीदेवी से हुई शादी को पब्लिक में बताने से कतराने लगे और आखिरकार साल 1989 में श्रीदेवी और मिथुन पूर्ण रूप से अलग हो गए और मिथुन दोबारा योगिता बाली के पास लौट आए। अगर हम बात करें मिथुन के परिवार की तो उसमें 4 बच्चे शामिल हैं, मिमोह उर्फ महाअक्षय चक्रवर्ती, उसमेय चक्रवर्ती, नमाशी चक्रवर्ती और दिशानी चक्रवर्ती। इनमें से पहले 3 बच्चे योगिता बाली के साथ के हैं और वहीं दिशानी चक्रवर्ती गोद ली हुई बेटी हैं। सबसे बड़े बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती का जन्म साल 1984 में हुआ और उन्होंने भी अपने पिता की ही तरह अभिनय का रास्ता चुना। हालांकि अपने पिता के उलट ये फिल्मों में बुरी तरह से फ्लॉप रहे, यद्यपि फिल्मों में ये अभी भी सक्रिय हैं और पिछले साल इनकी 2 रिलीज फिल्में रोश और जोगीरा सारारारा बुरी तरह डिजास्टर साबित हुई। अपने करियर में महाअक्षय ने जिमी, लूट, एनिमी, इश्कदारियां जैसी कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन सिवाय हॉन्टेड 3D के उनकी सारी फिल्में असफल रही हैं। मिथुन ने अपने बेटे के करियर को संवारने के लिए कई फिल्मों का निर्माण किया, जैसे कि स्पेगेटी 24x7, एनिमी आदि। लेकिन जहां एनिमी डिजास्टर साबित हुई, वहीं स्पेगेटी 24x7 कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। महाअक्षय चक्रवर्ती फिल्मों में मिमोह नाम से आए थे, जो कि माइकल जैक्सन और मोहम्मद अली के नामों को मिलाकर बनाया गया था। महाअक्षय तब सुर्खियों में आए जब साल 2020 में इन पर रेप का केस दर्ज हुआ और योगिता बाली पर पीड़िता को धमकाने का भी केस दर्ज किया गया। ये आरोप उन पर एक भोजपुरी अभिनेत्री ने लगाया था। हालांकि इस केस का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। इसी बीच महाअक्षय चक्रवर्ती की शादी अभिनेत्री मदालसा शर्मा से हुई, जो कि बीते जमाने के चरित्र अभिनेत्री शीला शर्मा की बेटी हैं। मिथुन चक्रवर्ती के दूसरे बेटे उसमेय चक्रवर्ती ने भी अपने कैरियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की, वो भी अपने पिता की ही फिल्म फिर कभी से। इस फिल्म में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की जवानी वाला किरदार निभाया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। साल 2008 में आई इस फिल्म के बाद उसमेय चक्रवर्ती ने अपना सारा ध्यान फिल्म मेकिंग पर लगा दिया। इन्होंने पिछले एक दशक में लाइफ समवेयर, लकी मैन, होली स्मोक और गे एशियन इमिग्रेंट जैसी
फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। इनमें से होली स्मोक फिल्म की खासियत यह है कि इसमें सभी भाई बहनों ने काम किया था। इसके अलावा उन्होंने अपने पिता के प्रोडक्शन की फिल्म एनिमी और अपने भाई महा अक्षय की फिल्म इश्क दारिया में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया था। मिथुन के तीसरे बेटे नमाशी ने हाल ही में दिग्गज निर्देशक राजकुमार संतोषी की फिल्म बैड बॉय से अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की, जो कि साल 2023 में रिलीज हुई। हालांकि ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। नमाशी फिल्मों में आने से पहले फिल्मों की प्रसिद्ध वेबसाइट IMDb में रिव्यू लिखा करते थे और इश्क दारिया फिल्म में इन्होंने भी बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। मिथुन की बेटी दिशानी वास्तव में उनकी गोद ली हुई संतान है। मिथुन ने एक बंगाली अखबार में ये खबर पढ़ी कि कूड़े के ढेर में एक लड़की पड़ी हुई मिली है, जिसे लड़की होने के कारण उसके परिवार ने त्याग दिया था। इस बात से मिथुन इतना दहल गए कि उन्होंने इस लड़की को गोद लेने का फैसला किया। अपने बाकी भाइयों की तरह दिशानी ने भी न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी से कोर्स किया है और होली स्मोक तथा अंडरपास नामक दो शॉर्ट फिल्मों में काम भी किया है। हालांकि बड़े पर्दे पर उन्होंने अभी तक काम नहीं किया है। इसके अलावा अगर मिथुन चक्रवर्ती के फिल्मी संबंध खंगाले जाए तो मालूम ये पड़ता है कि मिथुन के ससुर यानी योगिता बाली के पिता जसवंत भी पुराने जमाने के चरित्र अभिनेता रहे थे। ये हिंदी फिल्मों में हाथ आजमाने के लिए पाकिस्तान में अपने पत्नी और बच्चों को छोड़कर भारत आए, जहाँ इन्होंने गीता बाली की छोटी बहन हरिदर्शन कौर से शादी कर ली, जिनसे इन्हें योगिता बाली और योगेश बाली नाम की दो संतानें हुई। आज भी ये दोनों अपनी माँ का सरनेम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभिनेता जसवंत, जिनका असली नाम इरशाद हुसैन था, फिल्मों में असफल होने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर अपनी पहली पत्नी और बच्चों के पास पाकिस्तान लौट गए। जसवंत हिंदी फिल्मों के मशहूर लेखक अबरार अलवी के कजिन लगते हैं। ये वही अबरार अलवी हैं जिन्होंने गुरुदत्त के साथ कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम जैसी महान फिल्मों का लेखन किया था। अबरार अलवी के रिश्ते में पोती का नाम है फिजा दोसानी, जो कि हॉलीवुड की अभिनेत्री और कॉमेडियन है, जो कि मिथुन चक्रवर्ती की भी दूर की रिश्तेदार होती है। इसी तरह अभिनेता और फिल्मकार आदित्य राज कपूर, जो कि शम्मी कपूर के बेटे हैं, वो भी मिथुन के दूर के रिश्तेदार हुए। मिथुन की बहन कल्याणी के बेटे देबू बनर्जी ने भी फिल्मों में अभिनेता के तौर पर काम किया, जिन्होंने साल 2010 में तुम जो मिले नाम की फिल्म में काम किया था। लेकिन मिथुन के परिवार के बाकी सदस्यों की तरह इनका भी कैरियर नहीं चला। साल 2007 में महा अक्षय चक्रवर्ती और देबू बनर्जी फिल्म यश और नौ में साथ काम करने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म नहीं बन पाई। मिथुन के परिवार की जड़ें निकालने जाएं तो उसमें राज कपूर और श्रीदेवी के खानदान को भी मिलाया जा सकता है। वहीं उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य जो कि फिल्मों से नहीं जुड़े हैं, इसलिए उनके बारे में मीडिया में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। हालांकि मिथुन का परिवार कपूर या खान परिवारों जितना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन इस परिवार ने हिंदी सिनेमा को कई कलाकार दिए हैं और शायद भविष्य में देते भी रहे। तो ये थी मिथुन दा के पारिवारिक इतिहास पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।